नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु, इस वक्त मौजूद हूं पटना एग्जीबिशन रोड में। काफ़ी पॉश एरिया है ये पटना का। पीछे मौर्य होटल है और ये बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी ठाकुर का मकान है। और उसके बगल में जो ऊंची इमारत आप देख रहे हैं, वहां पर आग लग गई है। आग बहुत देर से लगी हुई है और आग अब थमने के बजाय और ज़्यादा बढ़ रही है। दमकल की गाड़ी हालांकि मौजूद है यहाँ पर, दो दो गाड़ी। हम अपने सहयोगी को चाहेंगे दिखाना कि दो दो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है आग की, दमकल की गाड़ी। लेकिन वहाँ तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती है। सबसे ऊपर जो है 10 तल्ला का ये मकान है, 9वें तल्ले पर आग लगी हुई है और आग इतनी भीषण है कि आग थमने के बजाय और ज़्यादा बढ़ रही है। अब अंदर कितने लोग हैं ये नहीं कहा जा सकता, आग किस वजह से लगी है ये भी नहीं बता सकते, लेकिन आग बड़ी भीषण लगी है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पटना स्टेशन के पास पाल होटल में आग लगी थी, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, दो दो मकान जद में आ गए थे। और अब फिर से एक घटना सामने आई है जहां भीषण गर्मी पड़ रही है राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में, वहां आग की ऐसी घटना फिर से सामने आई है और लोग सहमे हुए हैं। लोग जहां से हैं वहीं से खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं और दमकल की गाड़ी भी मौजूद है, प्रशासन भी खड़ी है, लेकिन आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आग लग गई है भीषण, आपने अभी कुछ दिन पहले पटना में पाल होटल के पास आग लगी थी और लग रहा है कि उसी तरीके से इतनी विकराल जो आग है वो लगी हुई है, और अंदर क्या है नहीं है, कितने लोग हैं कुछ कहेंगे? तो आग लगी है, अब इसको बुझाने की कोशिश हो रही है और प्रभु करे कि ऐसा बुझ जाए और किसी तरह का कोई नुकसान दूसरे नुकसान ना हो, ना हो दूसरे लोगों के साथ, और जो नुकसान हुआ हो वहीं तक सीमित रहे, ये इसकी कोशिश हो रही है। कुछ आप यहीं के होंगे आसपास? जी, हम एग्जीबिशन रोड के हैं। तो यहाँ कुछ कोई अंदर है अभी इस वक्त मौजूद अंदर में, या इसके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम है? सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है, लेकिन इस पर देखिए अब नियंत्रण होना चाहिए। पटना में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसका एक ही इसका रोक एक ही है, पेड़ पौधा के बढ़ावा दीजिए। गर्मी पैदा हो रहा है, आप पेड़ पौधे काट के हाईवे बना रहे हैं, हाईवे बनाइए, लेकिन उसके बगल में पेड़ पौधा कहाँ नजर पड़ रहा है साला? इतना बड़ा मरीन ड्राइव आप देखते हो, ये जाके देखिए बड़ा पेड़ है वहाँ पे एक भी, इतना दूर में तो गर्मी पैदा ही ना होगा भाई। बिल्कुल सही बात, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। हरियाली लगाइए ना, आपको एसी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, एसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी में रहने। ये जो आग लगी है कुछ बता सकते हैं किस वजह से लगी होगी? शॉर्ट सर्किट है या फिर गैस की वजह से? सब गर्मी की वजह से बोल रहा है, एसी की वजह से सब बोल रहा है, एसी आवाज काबू नहीं हो पाई है कि क्या किस पे लगी हुई है। तो आप लोग कितने देर से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे तो लगता है आधे घंटे से, एक घंटा से ऊपर से हम खड़े हैं। प्रशासन की गाड़ी आया है, प्रशासन बोल दिया है कि इस मकान में जितने भी आदमी हैं सब कृपया खाली कर दीजिए, इस मकान में आग लगा हुआ है। प्रशासन ने इस बात को कई बार बोला है, ये फायर वाला गाड़ी जो है इसके द्वारा कई बार प्रयास किया गया है ऊपर पानी पहुँचाने का, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आप सभी आदमी को यही प्रयास है, यही दुआ है कि लोग किसी प्रकार से इस आग को काबू पाया जाए। जी देखिए, गाड़ी आ रही है, दमकल की गाड़ी अपनी पोजीशन ले रही है, किसी तरह आग पर काबू पाया जाए। आग चूंकि इतनी ऊपर आग है, यहाँ पर ऊंचा इमारत है, 9वें तल्ले पर आग लगी है, तो वहाँ पर पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है। और फिर भी दमकल की गाड़ी जो है वो अपना पोजीशन ले रही है, किसी तरह वहाँ पर पहुँचा जाए, रेस्क्यू किया जाए। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो स्थानीय है, बोलिए ना, बोलिए। देखिए, यहाँ से फायर स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी 30-40 मिनट लग जाता है आने में। ये सरकार की नाकामी है बिल्कुल। उसके बाद सभी आपने देखा होगा गांधी मैदान में एग्जीबिशन ये लगा हुआ था, सारे जो भी नए इक्विपमेंट खरीदे गए थे वो यहाँ पे नहीं है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी है, सरकार की तैयारी ही नहीं है कुछ। और ये भी देख सोचने वाली बात है, अभी कुछ ही दिन पहले पटना के पाल होटल में आग लगी थी और तब भी आधा किलोमीटर दूर से आने में क्या 30 मिनट लगना चाहिए फायर ब्रिगेड को? 40 मिनट लगे यहाँ पे, लोग ने सैकड़ों कॉल किए हैं, मैं यहाँ पे हूँ। जी, सैकड़ों कॉल किए जाते हैं तब जाकर नींद खुलती है प्रशासन की और दमकल की गाड़ी पहुँचती है। तो यहाँ पर जो शिकायत है लोगों की कि प्रशासन और दमकल की गाड़ी काफी देर से पहुँचती है, आग लगे हुए 1 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे से लोग देख रहे हैं, 1 घंटे से कॉल कर रहे हैं दमकल की गाड़ियों को, लेकिन पहुंचने में 40 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिन पहले जो आग लगी थी वो पाल होटल में, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागी। बीच में होटलों के जो हैं वो इंस्पेक्शन किए गए थे कि आग रोधी वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं,
तो ऐसे में मल्टी जो ये बिल्डिंग है, काफी सारे इमारत है, इसमें 10 तल्ला मकान है, ये 90 तल्ले में आग लगी है। कुछ कह रहे हैं कि एसी से लगी है आग, भीषण गर्मी है, शॉर्ट सर्किट से हो सकता है आग लग गई हो, या फिर कोई और वजह हो आग लेकिन भीषण लग गई है। अभी आपने देखा पाल होटल में, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, प्रशासन अभी भी वही स्थिति है। 40 मिनट बाद सैकड़ों कॉल जाते हैं तब जाकर प्रशासन आती है यहाँ पर। और देखिए पानी जो है हाइड्रोलिक मंगवाया गया है, उससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन पानी चलाया जा रहा है लेकिन बड़ी दूर है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, जद्दोजहद का काम है, प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर होगी यहाँ पर। तो इस वक्त मौजूद हूँ पटना के एग्जीबिशन रोड में, और ये काफ़ी पॉश इलाका है, हाइड्रोलिक भी फेल बताया जा रहा है, जो हाइड्रोलिक है जिससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है वो भी फेल है, क्योंकि इमारत ऊंची है, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और आग देखते ही देखते विकराल रूप ले चुकी है। अब आग जो है वो थमने के बजाय और ज़्यादा बढ़ रही है, और लोग सहमे हुए हैं, नीचे खड़े बहुत लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और देख रहे हैं। कुछ का कहना है कि सैकड़ों कॉल हमने किए, प्रशासन आई नहीं अभी तक, और पानी अब लगता है कि वहाँ तक पहुँच गया है। लोग खुश हैं, लोग यहाँ पर ताली बजाकर उन्होंने तो दूर हो जाइए, आप ज़्यादा में जी जाइए तो कैसे होगा। हाइड्रोलिक से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और अब लगता है कि आग पर काबू पाया जाएगा, लेकिन अभी भी जो आग है वो विकराल रूप में दिख रही है, और आग एक मकान से दूसरे मकान तक भी पहुंच सकती है, काफ़ी खतरनाक है ये, और खतरे की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है पटना का, गांधी मैदान बगल में है, और मौर्या होटल है, पनास है, तमाम तरह के लेमन ट्री होटल है यहाँ पर, और एग्जीबिशन रोड जो कि पॉश, और सीपी ठाकुर जो कि पूर्व में मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है, सीपी ठाकुर इन्हीं के बेटे को टिकट दिया था बीजेपी ने नवादा से, विवेक ठाकुर जी, तो वो लड़ रहे हैं वहाँ से। तो इनके बगल में लगी है आग, और प्रशासन यहाँ पर जो शिकायत है उन्हीं का घर है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, सूर्या अपार्टमेंट है ये, उन्हीं का घर है, और उसमें भीषण आग लग गई है। आग पर फिलहाल काबू पाया जा रहा है, आग पर अभी काबू पाया नहीं गया है, लेकिन दमकल की गाड़ी लगी हुई है, दो गाड़ी यहाँ पर दिख रही है, और प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। आग पर किसी तरह काबू पाने की जद्दोजहद लोग कर रहे हैं, प्रशासन और मीडियाकर्मी भी तमाम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और लोगों की काफ़ी भीड़ है आप देख सकते हैं, और आग जो है काबू पे अभी पाया नहीं गया है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। अब कितनी जान माल की नुकसान हुआ है यहाँ पर, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, ये भी एक सवाल है, और प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर इतने देर के बाद क्यों आती है प्रशासन की गाड़ी, क्यों आती है दमकल की गाड़ी। लोगों का कहना है कि सैकड़ों कॉल हमने किए और तब जाकर प्रशासन की नींद खुली है, और अब दमकल की गाड़ी यहां पर आई है। अब देखना होगा कि दमकल की गाड़ी कितने देर में आग पर काबू पाती है, कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।